इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल में डाल देंगे चना दाल और उड़द दाल, राई, हरी मिर्च और करी पत्ता। लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन के गोल्डन ब्राउन भुनने के बाद मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। स्वाद के हिसाब से नमक। मीडियम फ्लेम के ऊपर एक मिनट तक भुनने के बाद मैं डालूंगी कटा हुआ टमाटर। टमाटर के अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने के बाद मैं डालूंगी सांभर मसाला। मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी गर्म किया हुआ पानी, साथ ही हम डाल देंगे बॉयल किया हुआ उबला हुआ आलू। 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इस पैन में डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और इसे पेपर नैपकिन से पोंछ देंगे। इसे ऑयल को पोंछने के बाद मैं डाल दूंगी डोसा का बैटर। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून घी। जब ये अंदर की तरफ से हल्का ब्राउन दिखना शुरू हो जाए तब मैं डालूंगी आलू की फिलिंग्स और इसे हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाकर रेडी करेंगे। मैंने मसाला डोसा को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।